ग्वालियर में बीते दिनों भिंड के सराफा कारोबारी की कार से 244 ग्राम सोना चोरी की वारदात का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। वारदात को दिल्ली से आने वाली मद्रासी गैंग के 5 सदस्यों ने अंजाम दिया था। इनमें से 2 सदस्य पुलिस के हाथ लग गए हैं। चोरी गए सोने में से 60 ग्राम सोना बरामद हो गया है। शेष दिल्ली में किसी सराफा व्यवसायी को बेचना बताया जा रहा है। गैंग ने भिंड सराफा कारोबारी की कार के टायर में सूजा मारकर उसे पंचर किया था। इसके बाद जब कारोबारी स्टेशन बजरिया में टायर बदलवा रहा था, तभी मौका पाकर गहनों का बैग पार कर दिया गया। गैंग दिल्ली में इस तरह की कई वारदात कर चुकी है। पुलिस की 2 टीम शेष माल बरामद करने दिल्ली रवाना हो गई है। दरअसल 17 जून को भिंड के सराफा कारोबारी अमन बंसल ग्वालियर में गहने खरीदने के लिए आए थे। गहने खरीदने के बाद जब वो वापस जा रहे थे और स्टेशन बजरिया पहुंचे ही थे कि तभी उनकी कार का टायर पंचर हो गया। वो कार का टायर बदलवा रहे थे कि तभी कुछ युवक ऑटो से आए, उनकी कार के पास रुके और 5 मिनट के अंदर ही वापस जिस ओर से आए थे चले गए। जब टायर बदलवा कर व्यापारी वापस कार में पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे की सीट पर रखा उनका छोटा बैग गायब था। बैग में 244 ग्राम सोना लगभग 14 लाख रुपए कीमत का रखा था। ये सोना कारोबारी ने सराफा बाजार ग्वालियर से खरीदा था। उसे वो भिंड में अपनी ज्वेलरी शॉप पर बेचता था। इसके बाद 3 अलग अलग टीम बनाकर पड़ताल के लिए लगाई गई थी। स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे के फुटेज मिले थे जिनमें एक ऑटो बार बार दिख रहा था। साथ ही कुछ लड़के कार के पास ही तफरी करते नजर आ रहे थे। इस मामले में कुछ दिनों की मशक्कत के बाद साइबर सेल को महत्वपूर्ण लीड मिली थी। मोबाइल लोकेशन, कुछ मोबाइल नंबर के बीच बार बार बातचीत और उसके बाद मोबाइल बंद हो जाने से लीड मिली। इन नंबर को सर्च किया तो वो दिल्ली के निकले। इसके बाद पुलिस को पता चला कि वारदात को दिल्ली से आई गैंग ने अंजाम दिया था। दिल्ली से पकड़े मद्रासी गैंग के 2 सदस्य साइबर सेल से मिली जानकारी के बाद पड़ाव थाना और क्राइम ब्रांच थाना TI ने अपनी अपनी टीम के साथ डेवलप किया। इसके बाद नई दिल्ली से 34 वर्षीय सूरज उर्फ सूजी और 22 वर्षीय विजय निवासी मदनगिरी अंबेडकर नगर नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद 3 सोने की चेन, 3 अंगूठी और 3 जोड़ी कानों के टॉप्स, लगभग 60 ग्राम सोना बरामद किया है, जबकि शेष गहने आरोपियों ने एक सराफा कारोबारी को दिल्ली में बेच दिए हैं। अब पुलिस की टीम शेष गहनों को बरामद करने के लिए दिल्ली रवाना की गई है। पड़ाव में 17 जून को एक चोरी का FIR हुआ था। भिंड का एक व्यापारी अमन बंसल ने ग्वालियर आके गोल्ड परचेज करके वापस जा रहा था। उनके गाड़ी अचानक पड़ाव में पंचर हो गया और जब ये पंचर की काम कर रहा था, रिपेयरिंग वगैरह, उस समय इनकी गाड़ी से बैग लेके, ये जो सोने वाले बैग लेके फरार हो गया था। तो उसमें लगातार हम काम कर रहा था 1-1.5 महीने से, और ये जो मॉडस ऑपरेंडी और जो फुटेजेस हमने कलेक्ट किया है आगे का और पीछे के 1000 फुटेज हमने चेक किया है, तो जो फुटेजेस हमें मिला है जो संदिग्ध व्यक्तियों का, उसको हम अन्य स्टेट्स का पुलिस डिपार्टमेंट्स को भेज दिया था। और दिल्ली से हमें क्लू मिला है कि वहाँ सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी में ऑपरेट करने वाला एक टकटक गैंग है। उसको फिर हमने आइडेंटिफाई किया था। 5 लोगों का उस गैंग था, 5 लोगों की तरह आया था, उसमें से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया था और उनके पोजीशन से 2 सोने की अंगूठी, 2 सोने की चेन और 2 सोने के टॉप्स, कुल 60 ग्राम अब बरामद हुआ है। अभी उनको आज कोर्ट में, पहले ट्रांसिट रिमांड लिया था दिल्ली से, आज कोर्ट में पेश करके PR पे लेके अन्य साथियों का और माल बरामद करने की प्रयास की जाएगी। अभी उनके लिए टीम रवाना कर रहे हैं। ये इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये व्यापारी लोगों को टारगेट करते हैं। पहले ये जो नदी गेट से ये फॉलो कर रहा था व्यापारी, और शायद पड़ाव सिग्नल पे इन्होंने जाके, उनका जो रेगुलर काम है तो ये बहुत एक्सपर्ट है, गाड़ी पंक्चर करते हैं और उनको पता है कि कितने दूर वो पंक्चर से वो गाड़ी चलेंगे, तो फिर ये लोग उनको पीछा करके एम्बियंस चुराए पे उधर के दूसरे गाड़ी में बैठ के दोबारा फॉलो किया, और इनको पता है कि गाड़ी आगे नहीं जाएगा ज़्यादा, तो DB मॉल के आगे इनको गाड़ी मिला था। जैसे व्यापारी के ध्यान पंक्चर पे चला गया, ये तुरंत चोरी कर लिया और माल लेके ट्रेन पकड़े फरार हो गया। ये दिल्ली का है। अभी जो पकड़े गए 2 आरोपी दिल्ली अंबेडकर नगर थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं, उधर भी वारदात कर चुके हैं, तो इसीलिए ये मॉडस ऑपरेंडी के वजह से इनको टक टक गैंग बुलाते हैं वहाँ पे लोकल में।
तो अन्य तीन लोग अभी मिलने बाकी है, उनके लिए अभी टीम रवाना हो चुका है। सर, इस घटनाक्रम में एक ऑटो चालक को भी संदिग्ध पाया गया, उसकी मारपीट भी की गई थी और पूरा दावा था पुलिस का कि इसी पर पूरा सामान है, यही चोर है। ये पहले जो मैंने बताया था ये कि ये गैंग ने फॉलो किया था, तो ये उसमें सीसीटीवी में एक ऑटो इन्होंने यूज़ किया है, तो वो ऑटो चालक को हमने संदेह के ऊपर राउंड अप किया था, उनको थाने में बुला लिया था, पूछताछ के बाद उनको फिर छोड़ दिया था, क्योंकि अपने पास जो एविडेंस उस समय अवेलेबल था उसके बेसिस पे उनको छोड़ दिया था, वो सस्पेक्ट था एक्चुअली। अभी जो पूछताछ कर रहे हैं बाकी लोगों को भी हम पकड़ेंगे जल्दी, और उनका भी पूछताछ हो जाएगा